इस खबर की सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कलां ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम आपको ले चले हैं ललितपुर नगर के सबसे पुराने प्राचीन ललितपुर कहलाने वाला सरदारपुरा, जहां पर श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी, जिसे भगवान आदिनाथ मूल नायक वाला बड़ा मंदिर कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस महा बड़े मंदिर जी में सिद्ध जग महामंडल विधान का भव्य आयोजन हो रहा है। दिगंबर जैन पंचायत के तत्वाधान में सिद्ध जग महामंडल विधान का भव्य आयोजन अनवरत विगत दिनों से 1 मार्च से इसका शुभारंभ हो चुका था, जो 9 मार्च तक इस आयोजन को ललितपुर के जैन पंचायत के तत्वाधान में एवं मुनि श्री विनिश्चल सागर जी के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। इस विधान की महिमा और इस विधान का वर्णन जैन ग्रंथों में आचार्य ऋषियों ने बड़े ही ढंग से किया है, और इसमें बताया गया है कि जो सिद्धों की आराधना करता है वह कष्टों से दूर होता है, पापों से दूर होता है, और वह पुण्य संचय करने के लिए परमात्मा के निकट जाकर अपना भक्तिभाव से, श्रद्धा भक्तिभाव से पूजन विधान करता है। सिद्धों की आराधना सिद्ध चक महामंडल विधान आज ललितपुर में अष्टान का महापर्व में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्रह्मचारी मनोज भैया एवं अन्नू भैया के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिष्ठाचार्य के रूप में इस विधान का आयोजन प्रातःकालीन सुबह भगवान जिनेन्द्र देव की अभिषेक पूजा शांति धारा एवं विधान की क्रियाएं होती हैं, तो वहीं रात्रि में इस आयोजन की गरमा बढ़ाने के लिए महाआरती का आयोजन होता है, और महाआरती के जो पुन्नाजक होते हैं वह नगर में शोभा यात्रा के माध्यम से बग्घी पर सवार होते हैं, हाथों में महाआरती का थाल लिए होते हैं, और गाजे बाजे के साथ वह भगवान के समुद्र में पधारते हैं और आरती करते हैं। संगीतमय आरती का आनंद भक्ति नृत्य के साथ मंदिर जी में देखने को मिलता है। उसके उपरांत इस आयोजन में जो भगवान आदिनाथ यहाँ के मूल नायक हैं, उनकी छत्र छाया में मनोज शर्मा दिल्ली, जो एक आवाज अनेक आवाजों के माध्यम से, एक व्यक्ति अनेक आवाजों के माध्यम से यहाँ पर मंच का मंचन करता है, जिसमें अनेक प्रकार के नाटक और अनेक प्रकार की गतिविधियाँ मंच आसीन होती हैं, जिसमें मैना सुंदरी, विद्याधर से विद्यासागर और अनेक प्रकार के आयोजन इस मंच पर होते हैं मनोज शर्मा के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, सिद्धों की आराधना सिद्ध चक महामंडल विधान का आयोजन प्रबंधक वीरेंद्र कुमार जी जैन प्रेस वाले, सिंगई अजित कुमार जी जैन गदियाना वालों के संयोजन में अनवरत चल रहा है, जो 9 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में प्रतिदिन सुबह एवं शाम भक्तों के माध्यम से अष्टदर्प से पूजा अर्चना होती है, और सायंकालीन भगवान की आरती होती है। मुनि श्री विनिश्चल सागर जी के मंगल प्रवचन होते हैं, वह अपने प्रवचनों में सद ज्ञान सद उपदेश देते हैं। इस आयोजन में सबसे मुख्य आकर्षण होता है सभी लोग भक्ति भाव से पीत वस्त्र पहनकर, धोती दुपट्टा पहनकर, पूरे विशुद्ध भाव से विशुद्धि के माध्यम से भगवान जिनेन्द्र की अर्चना करते हैं, और इस सिद्धों की आराधना अर्चना के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय करते हैं और पुण्यों का संचय करते हैं। हमारे इस आयोजन में जैन पंचायत ने आमंत्रित किया पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग को, और अपर पुलिस अधीक्षक अभ्यास विजेता जी को, शहर कोतवाल को, एवं ललितपुर के लोकप्रिय विधायक रामरतन जी कुशवाहा, एवं मेहरौनी विधायक मनोहर लाल पंत, एवं सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल पंत जो इस आयोजन में पधारे। समाज ने उनका बहुमान स्वागत सम्मान किया, उन्होंने इस आयोजन की महत्ता समझाई और महत्ता के बारे में समझा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में धर्म का प्रवेश होने पर राजनीति में निखार आता है, और राजनीति में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो राजनीति में अपना प्रदर्श राजनीति में जो अपना माहौल का निर्माण करते हैं, उनके अंदर भी देश धर्म की प्रगति करने का भाव आता है। तो वहीं रमेश कुशवाहा जी जो लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे आयोजन लोगों को प्रेरणा देते हैं, धर्म से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। तो वहीं पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस के लिए धर्म क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जिसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है, और धर्म के आयोजन से अपराध में मंदी आती है, और अपराध बोध करने से लोग अपराध करने से क्षमा मांगते हैं और अपराधों से दूर रहते हैं। धार्मिक आयोजन अनेक प्रकार की प्रेरणा और सहायक बनता है। इस आयोजन को बहुत अच्छे ढंग से निर्माण करने में जैन समाज का योगदान, हर व्यक्ति का योगदान,
बड़े मंदिर सरदारपुरा के निवासियों का योगदान अनवरत मिल रहा है। ललितपुर लाइव टीवी जो आपसे हमेशा कमिटमेंट करती है, वादा करती है कि धर्म यात्रा धर्म आयोजन के माध्यम से आपको जोड़े रखेगी, आपको जोड़कर पुण्यों का संचय कराएगी, धर्म यात्रा से जोड़कर आपको विभिन्न प्रकार की भक्ति रचना से भावों से जुड़कर आपके पुण्यों का संचय करेगी, कर्मों का क्षय करेगी। ललितपुर लाइव टीवी ने आज आपको सिद्ध चक महामंडल विधान की महिमा और उनके उद्देश्यों को बताया। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी से ऐसे ही आयोजनों के साथ। आज के इस आयोजन के लिए ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। हमारे साथ लोकप्रिय विधायक राम रतन जी कुशवाहा हैं, जो जैन पंचायत के अंतर्गत होने वाले जैन बड़ा मंदिर सरदारपुरा में श्री सिद्ध चक महामंडल विधान हो रहा है। प्रबंधक के आमंत्रण पर वह पधारे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। राजनीति और धर्म का समावेश किस तरह से मानव कल्याण में? देखिए रवि जी, निश्चित रूप से हमारा ललितपुर जनपद पूरा धर्म में रहता है और आज जो बड़ा मंदिर में सिद्ध चक्र महाविधान हो रहा है, निश्चित रूप से इससे विश्व में शांति का संदेश जाएगा और इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से हर समाज में होते रहना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजनों के आधार पर ही सामाजिक और राजनीतिक संरचना हुई है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बधाई देता हूं और भगवान आदिनाथ जी हम सभी पर कृपा करे रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमारे बीच में हैं मेहरौनी के विधायक एवं उत्तर प्रदेश के सेवा आयोजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंत, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मंत्री जी, राजनीति में धर्म का प्रवेश होने पर कितना मानव कल्याण के लिए फायदा है? देखिए, आज ललितपुर जिले में आज अपने बड़ा मंदिर के पास, बड़ा मंदिर में भगवान आदिनाथ जी के दर्शन किए और यहाँ पर जैन समाज के गुरु पधारे हैं और पूरी समाज माताएं बहनें सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर श्री श्री 1008 श्री आदिनाथ जी भगवान के दरबार में 1008 विधान चक्र जो चल रहा है उसमें धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने हमें बुलाया है, ये पूरे देश और प्रदेश में शांति का व्यवहार का सभी को एक समानता का आदर मिलता है, सम्मान मिलता है और हम सब मिलजुल करके रहते हैं। इसमें इसी कार्य में हम और हमारा देश एक शांति के रूप में अच्छा माहौल बना रहे, इसलिए विधान चक्र वगैरह ये सब अच्छे कार्यों के लिए चलाए जाते हैं, उससे धर्म लाभ मिले, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये हम लोग यहाँ पर आप लोगों के बुलाने से आने से हमें भी लाभ मिलता है, हमारे परिवार को लाभ मिलता है, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को लाभ मिलता है। मैं उनके चरणों में, आदिनाथ भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन और शीश नमन करता हूँ। जय हिंद। इस तरह जो सिद्धचक महामंडल विधान चल रहा है उसके प्रति हमारे जो आयोजक हैं, प्रबंधक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी फ्रेस, जो इस विधान के जैन पंचायत के द्वारा अधिकृत आयोजित हैं और इन्हों के संयोजन में विधान चल रहा है, हम इनसे ही पूछना चाहते हैं कि सिद्धचक महामंडल विधान की महिमा का सार संक्षेप में क्या है? मैना श्रीपाल एवं मैना संधी ने इस विधान के रचाया था और जो श्रीपाल के लिए कुष्ठ हुआ था उसके निवारण में इस विधान से जो सर दिन पर गंदों तक छिड़का जाता है उससे श्रीपाल एवं उनके सात कोणियों का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। इसी भावना से, इसी उद्देश्य से पूर्व में यह विधान यह आयोजित किया जाता है, जिससे कि दुख बीमारी एवं विश्व में शांति का वातावरण प्राप्त हो। इस तरह सिद्ध चक महामंडल विधान की महिमा का सार कुछ हटके है और इस विधान के अंतर्गत हम आपको बता दें कि ललितपुर लाइव टीवी हमेशा आपको धर्म यात्रा का जो आनंद सोपान कराती है उसके माध्यम से आज ललितपुर में होने वाले सिद्ध चक महामंडल विधान के आयोजन के तहत आज अष्टांग का महापर्व में जैन बड़ा मंदिर जी में आयोजन हो रहा है। आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी से सिद्ध चक महामंडल विधान की महिमा के स्वरूप और रूप को जानने के लिए।